हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक महान व्यक्तित्व जो कि रतन टाटा जी, जिनका निधन हो गया, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमको पता है कि रतन टाटा जी का कुछ दिनों से हालात बहुत गंभीर थे और उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जो कि मुंबई में स्थित है वहां पर उनको एडमिट किया गया था और आज रात इनका देहांत हो गया, जो कि यहां पर देख सकते हैं रतन टाटा जी का देहांत हो गया। ठीक है, और इसी में मोदी जी का कुछ यहां पर देख सकते हैं ट्वीट किए हैं, उन्होंने बताया इनके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया, साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। ठीक है, कि मींस भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको आगे पहुंचाने में अगर कहीं ना कहीं रोल देखा जाता है तो फिर उद्योगपतियों का ही आता है। ठीक है, और जो रतन टाटा जी हैं ये पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक उद्योगपति, एक बड़े उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि मिस ये रतन टाटा जी की ही देन है कि जो 1 लाख रुपए में आपका जो नैनो कार आया हुआ था वह इन्हीं की देन थी। कि मिस इनका मतलब जो भाव था कि मिस देश प्रेम से जुड़ा हुआ था कि गरीब से गरीब नागरिकों को भी हमारा क्या किया जाए कि उनको 4 पहिए वाली वाहन का उपयोग किया जा सके, इसलिए उन्होंने क्या किया था 1 लाख रुपए में क्या किया था कि मिस 4 पहिया वाहन लाए थे। ठीक है, और इनका कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि मिस अगर बात किया जाता है कि एक समाज सेवा की भावना में तो इनका बहुत ज्यादा रोल हमको देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो हमको पता है कि मिस अभी आज इनका देहांत हो गया। ठीक है, और इनके बारे में कुछ वक्तव्य है जो कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि देखिए, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो जैसा कि हमको पता है जीवन में कभी कभी हमको क्या होता है कि कभी कभी हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और रतन टाटा जी के जीवन में भी बहुत बड़ी कठिनाइयां आई थी। हमको पता है कि किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उनका सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो माता और पिता का होता है। ठीक है, मदर एंड फादर का होता है। लेकिन जब इनकी उम्र 7 साल की थी, मात्र 7 साल में इनको अपने माता पिता से दूर रखा गया, उनकी जो सेवा किए थे उनकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी ने उनकी सेवा की थी। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इनका फुल नेम जो था वो रतन नवल टाटा था, और डेट ऑफ बर्थ के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 28 दिसंबर 1937। जैसा कि हमको पता है कि भारत तब तक आजाद नहीं हुआ था, तो भारत जब गुलाम था, अंग्रेजों ने जब भारत में गुलामी कर लिया था उसी के दौरान जो है 1937 में यानी कि आजादी के पहले जो है रतन टाटा जी का जन्म हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी इतने बड़े स्तर तक पहुंच पाना किसी भी व्यक्ति के लिए वह एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर देख सकते हैं कि मिस इतने बड़े उद्योगपति के रूप में जाने जाने वाले एक व्यक्ति हमारे जो बीच अभी नहीं रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इनका जन्म आपका 1937 में सूरत में हुआ था, जो कि आपका इंडिया में, आपका गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं इनका स्कूलिंग जो हुआ था वो यहां पर देख सकते हैं कैंपियन स्कूल में हुआ था, और हायर स्टडीज जो हुआ था, कैंपियन स्कूल आपका कहां पर है, इंडिया में ही है, लेकिन बाकी का जो भी देखेंगे आप हायर और ग्रेजुएशन वो आपका यूएस में हुआ है। यहां पर देख सकते हैं हायर स्टडीज इनका हुआ था यूएस के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हुआ था, और ग्रेजुएशन इनका देख सकते हैं कि यूएस के आपका कार्नवेल यूनिवर्सिटी में आपका ग्रेजुएशन हुआ था। और वहीं अगर डेथ के बारे में बात की जाए तो अभी उनका डेथ हुआ है कहां पर, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जो कि मुंबई में लोकेटेड है, यहां पर इनका डेथ हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमने ट्वीट के बारे में भी बता दिया। तो यहां से देख सकते हैं कि मिस रतन टाटा जी का आज फिलहाल देहांत हो गया है, और उसी लिए जो हमने ये वीडियो बनाया है ताकि मतलब सभी को यह जानकारी मिल सके और उनके जीवन से हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल सके। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।